अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, आज हमारा ऑसिलेशन का जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम, सादा रकास। आपको याद होगा इस चैप्टर की शुरुआत जो हम लोगों ने किए थे, तो पहले ही लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम या सादा रकास जो है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सादा रकास बना हुआ होता है। आप देखिए, जैसा इस फिगर में आप देख रहे हो, सादा रकास बनाने के लिए हम लोग एक लंबा धागा इस्तेमाल करते हैं। ये धागा बहुत हल्का होना चाहिए, बल्कि आइडियली तो वो बेवज़न होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि उसमें लचक ना हो, उसमें ऐसी कोई खासियत ना हो कि उसके नीचे वज़न लगाने पर उसकी लंबाई में इजाफा होता हो। ओके, तो ऐसा हम लोग एक लंबा सा एक धागा लेंगे जो कि बहुत हल्का है और बहुत कम लचक, मतलब लचक उसमें नहीं है, बहुत कम लचक है, और उस धागे के एक सिरे के ऊपर हम एक वजनदार गोल कुर्रवी जिस्म बांधेंगे जिसे हम बॉब कहते हैं। ये जो बॉब है, अगर हम इसको कुछ नहीं करते हैं तो वो यहाँ लटका हुआ रहेगा। तो ये हमारी औसत मकान है, मतलब यहाँ आप लोग ये जो पॉइंट ओ जो देख रहे हो, तो दर हकीकत ये औसत मकान है उस सिंपल पेंडुलम का। और फिर हम क्या करेंगे कि उस बॉब को एक सिरे पर लाएंगे और एक सिरे पर लाकर हम उसको सिर्फ छोड़ देंगे। जैसे हम उसको एक सिरे पर ला के छोड़ेंगे तो वो अपने वजन की वजह से दूसरे सिरे तक जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर वो बार बार इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। ये वाले जो ऑसिलेशंस हैं इनको हम सादा मौसी की हरकत कहते हैं। हमने देखा भी था कि किस तरीके से ये सादा मौसी की हरकत होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सादा रकास क्या होता है। सादा रकास का जो वक्ते दौरान है या उसका जो दौरानिया होता है वो हमको मालूम करना है। हम उसको उसका डेरिवेशन हम लोग आज आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सादा रकास की तारीफ पर नज़र डालते हैं। सादा रकास की तारीफ कुछ इस तरह से होगी कि अगर एक लंबे बेवज़न यानी हल्के गैर लचकदार धागे के एक सिरे पर एक वजनदार गोल कुरवी जिस्म बांधा जाए और उस जिस्म को एक छोटे से एक खत में उसे एहतजाजी हरकत दी जाए, तो ये जो निज़ाम तैयार होता है उसे सादा रकास कहते हैं। ओके, तो ये उसकी तारीफ हो गई। आप अपने अल्फाज में ये तारीफ जो है वो खुद बना सकते हो। ओके, अब तो तारीफ डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सादा रकास एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें एक लंबा धागा इस्तेमाल करेंगे। ये धागा हल्का होता है वजन के एतबार से और गैर लचकदार होता है। उसके निचले सिरे पर एक वजनदार गोल कुरवी जिस्म बंधा हुआ होता है जो कि एक छोटे से खत में सादा मौसी की हरकत करता है। ऐसे निज़ाम को सादा रकास कहते हैं। ओके, अब आप देखिए सादा रकास में और मखरूती रकास में, मतलब कोनिकल पेंडुलम में क्या फ़र्क है। तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों के अंदर, हालांकि दोनों का डिज़ाइन सेम है। दोनों में धागा इस्तेमाल करेंगे, दोनों में रिजिड सपोर्ट से बांधा जाएगा, दोनों में एक बॉब होगा, लेकिन मखरूती रकास के अंदर जो बॉब है वो गोल दायरे में हरकत करेगा। वो हमेशा ऐसा उफकी दायरा होता है और वो उफकी दायरे में गोल घूमता है और साइड से देखने पर हमको मखरूत नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉब है वो दायरे में नहीं घूमेगा बल्कि वो एक खत में हरकत करेगा। आप लोग देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि ये तो खत नहीं नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये तो हमको एक दायरे का एक पार्ट, एक कॉस जैसा दिख रहा है। तो ये सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बनाने का एक तरीका है। रियलिटी में हम उसका एम्पलीट्यूड जो लेंगे, उसका जो हैता लेंगे, वो बहुत मामूली लेंगे। मतलब हम ये तस्वूर करेंगे कि ये बॉब बिल्कुल यहाँ आस पास ही है। आप देखिए, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये वाला पार्ट जो है वो एक छोटा सा खत होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सादा रकास जो है वो हमेशा एक खत में SHM करता है। यहाँ पर एंगल थीटा जो है वो झुकाव का जाविया है। आप उसको सेमी कोनिकल एंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि बहरहाल यहाँ पर ये कोन जैसी चीज़ भी बन रही है, तो हम उसे सेमी कोनिकल एंगल बोल सकते हैं, या फिर उसको झुकाव का जाविया ये हम बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके, आइए अब हम इस फिगर पे थोड़ा सा और गौर करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस फिगर में जो बॉब है, हमने उसको एक इंतहाई मकाम बी पर इमेजिन कर रहे हैं जो कि हमारे मुजबित इंतहाई मकाम है। यह हमारा औसत मकाम,
जब ये बॉब यहां होगा, इंतहाई मकाम पर होगा, तो उस वक्त उस पर जो पहली कुव्वत जो अमल करेगी वो होगा उसका वजन mg। और आपको पता है कि mg वजन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड अमल करता है, मतलब नीचे की सिमत में। तो यहां पर वजन mg नीचे की सिमत में अमल कर रहा है। ओके, इसका रद्द अमल पैदा होगा। तो आमतौर पर पेंडुलम के अंदर जो वजन का जो रद्द अमल पैदा होता है वो हमेशा तनाव की शक्ल में होता है। तो तनाव कैपिटल टी जो है वो यहाँ पर धागे में ऊपर की सिमत में अमल करेगा। अब आप देखें, तनाव धागे में ऊपर की जानिब है और वजन एम जी नीचे है, मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर अपोजिट सिमत में बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तनाव जो है वो थोड़ा सा तिरछा है, वजन एकदम उमदन नीचे है। तो इसी सूरत, ऐसी हालत में हम यहाँ पर वजन एम जी जो है इसके दो अज्जा बनाएंगे। इसके जो दो अज्जा बनेंगे वो बनेगा, एक जूस जो है वो धागे के साथ में बाहर की तरफ या नीचे की तरफ, और एक धागे से उमदन अंदर की जानेब। ओके, तो सबसे पहले आप गौर कीजिए कि वजन एम जी का धागे के साथ वाला जो जूस है हम उसे उमूदी जूस कह सकते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि एंगल थीटा यहाँ इस लाइन के साथ बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब एम जी कॉस थीटा जो है वो ये वाला जूस बनेगा, और इस लाइन से, इस खत से उमूदन इधर वाले खत में, मतलब ये सिम के अंदर जो जूस बनेगा वो होगा एम जी साइन थीटा। तो आप इसे उफकी जूस कह सकते हैं और इसको उमूदी जूस कह सकते हैं। इसको उमूदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उमूदन नीचे की तरफ जा रहा है और ये एक तरह से इस धागे पर उमूद बनकर इधर जा रहा है, मतलब ये काफ़ी हद तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उफकी सिमत में है। तो ये उफकी जूस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब सादा रक्कास का बॉब इंतहाई मकाम पर होता है, उस वक्त उस पर अमल करने वाली जो अलग अलग जो कुव्वतें हैं उनमें से एक कुव्वत है एम जी नीचे की जानिब, एक कुव्वत है तनाव कैपिटल टी धागे में ऊपर की जानिब, एम जी कॉस थीटा धागे के साथ नीचे की जानिब या बाहर की जानिब, और एम जी साइन थीटा औसत मकाम की जानिब। ओके, इतनी चीज़ें होने के बाद अब अगर हम यहाँ पर अलग अलग कुव्वतों को अगर बैलेंस करना चाहें तो आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं टी को एम जी कॉस थीटा के साथ में, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मतलब इस डेरिवेशन के अंदर ऐसा इन दोनों का, मतलब ना तनाव का और ना एम जी कॉस थीटा का, ये दोनों की कोई अहमियत नहीं है उस डेरिवेशन में, इसलिए हम इन दोनों को यूज ही नहीं करेंगे। हमारे लिए जो मेन जो टारगेट होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। आप देखिए, एम जी साइन थीटा औसत मकाम की तरफ है, और हमने शुरू में पढ़ा था कि जब कोई जिस्म सादा मौसी की हरकत करता है तब उस पर अंदरूनी बहाली कुव्वत अमल करती है। जो अंदरूनी बहाली कुव्वत उस पर अमल करेगी वो औसत मकाम की जानिब होगी, मतलब ये वाला जो जूज है एम जी साइन थीटा जो है ये वो अंदरूनी बहाली कुव्वत है। आया ध्यान में सब लोगों को, एम जी साइन थीटा खुद ही, यानी ये बजाते खुद ये वो अंदरूनी बहाली कुव्वत का काम करेगा जिसके जरिए ये पेंडुलम या बॉब जो है वो SHM करने वाला है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इस एम जी साइन थीटा को F समझ सकते हैं, F यानी अंदरूनी बहाली कुव्वत, और जाहिर सी बात है MG जो है वो फिर F के साथ में इक्वल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिगर जो है वो समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए ताकि आप इसकी, मतलब आगे का जो डेरिवेशन है वो आप बेहतर तरीके से कर सको। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस सिंपल पेंडुलम में यहाँ पर हमने F जो है अंदरूनी बाहरी कुव्वत जो है इसको बैलेंस किया, या ये एम जी साइन थीटा के रूप में पैदा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, तो ये हो गई हमारी बुनियादी शर्त यहाँ पर कि अगर ये सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है अगर ये SHM में है तो फिर अंदरूनी बहाली कुव्वत जो है वो हो जाएगी एम जी साइन थीटा। ओके, अब आप एक और चीज़ पर गौर कीजिए, तमाम लोग जो है इस बारीकी को एक बार फिर से ध्यान रखो।
आप लोग देखो, अभी जो डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था यानी सपोर्ट का, और यहाँ से वो धागा बंधा हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड नहीं लेंगे। आप लोग गौर कीजिए, आप जितना बड़ा एम्पलीट्यूड लेंगे, जितना बड़ा आप हैटा लोगे, यहाँ पर ये खत नहीं बनेगा बल्कि दायरा बनते जाएगा, दायरे का कॉस बनेगा। लेकिन हमको दायरे में हरकत नहीं कराना है बल्कि हमको एक छोटे से खत में हरकत कराना है। तो अगर हम यहाँ पर बॉब को सिर्फ इतनी हरकत देते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल बहुत ही छोटा बनेगा। तो ये दरअसल सिंपल पेंडुलम की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है। आप याद रखिए कि सिंपल पेंडुलम सादा मौसी की हरकत उसी वक्त करता है जब उसके अंदर दो शर्तें मुकम्मल होती हों। पहली शर्त यह है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये बहुत कम हो, मतलब औसत मकाम और इंतहाई मकाम के दरमियान का फासला बहुत ही कम हो। जितना ये कम होगा, जाहिर है ये एंगल थीटा उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर जो हमने बुनियादी शर्तें देखी वो ये है कि सादा रकास के बॉब के एहतजाज का हैता बहुत कम होना चाहिए, ये पहली बुनियादी शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि झुकाव का जाविया थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर थीटा जो है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, वो बहुत मामूली सा जाविया है। जब थीटा बहुत ही छोटा होगा तो ऐसी सूरत में साइन थीटा की जो कीमत है वो तकरीबन थीटा हो जाएगी। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो आप इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकल तरीके से भी समझ लें। आप लोग देखो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर ये एक कंडीशन पढ़ी हुई है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू वन। अब हम यहाँ पर गौर करते हैं कि ये लिमिट का मतलब क्या है। आप देखिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि थीटा जो है उसको आप बहुत छोटा कर रहे हो, उसको आप जीरो नहीं ले रहे बल्कि आप जीरो की तरफ ले जा रहे हो, मतलब उसकी वैल्यू को आप डाउन कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप थीटा की कीमत को जीरो की तरफ लेके जाएंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा की कीमत वन होती जाएगी। अब अगर साइन थीटा अपॉन थीटा की कीमत वन हो रही है तो इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि साइन थीटा अपॉन थीटा नियरली इक्वल टू वन हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली इक्वल नहीं ले रहे इसको, बल्कि टेंड्स हमने बोला है यहाँ पर, थीटा टेंड्स टू जीरो, मतलब थीटा जो है वो जीरो के तरफ जा रहा है। ओके, तो ये नियरली इक्वल टू वन हो जाएगा। और अब थीटा को अगर आपने उधर शिफ्ट कर दिया तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो ये एक बहुत ही बुनियादी एक शर्त होती है कि अगर कोई जाविया बहुत ही छोटा हो, बहुत ही मामूली सा जाविया हो, तो उसके लिए साइन थीटा और थीटा मसावी होते हैं, तकरीबन वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये वाली कंडीशन को यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं। अब आप देखिए, इस जगह पर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा, जाहिर है वो बन जाएगा थीटा। ओके, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हम थीटा ले सकते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर वन है। ओके, अब आप यहाँ पर थीटा को भी हटा सकते हो, थीटा को आप इमेजिन कर सकते हैं कोई एक अलग तरीके से। आप देखिए, जो डायग्राम हमारे पास है वो फिगर कुछ तो भी इस तरह की है, इस अंदाज में। यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये औसत मकाम, ये इंतहाई मकाम, ये वाली साइड एल, ये वाली साइड भी एल, ये इतना फासला एक्स, और यहाँ का ये फासला, यहाँ का ये जाविया थीटा। ओके, तो अगर हम ओ से लेकर बी तक एक छोटा सा कॉस इमेजिन करें, क्योंकि रियल में तो वो कॉस ही है। ओके, ये एस जो है ये मरकज बन जाएगा और ये एक ऐसा बड़ा सा दायरा बनेगा जिसका रेडियस जो है वो एल होगा। तो यहाँ पर हम कॉस की लंबाई का जाप्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कॉस की जो लंबाई होती है, तो कॉस की लंबाई का एक सीधा साधा सा एक फॉर्मूला होता है, कॉस की लंबाई इज इक्वल टू जाविया जरब निस्फुत्र। आप ये जाप्ता याद कर लीजिए, कॉसी लंबाई इज इक्वल टू जाविया जरब निस्फुत्र। इसका मतलब ये हो जाएगा, कॉस की जो लंबाई है वो है एक्स, इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जाविया जो है वो थीटा है और निस्फुत्र यहाँ पर है एल। ओके, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू आ गया थीटा इंटू एल। अब अगर आपने ये एल को इधर शिफ्ट कर दी तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एक्स बाय एल। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो प्लेन एंगल है, मतलब वो जो झुकाव का जाविया थीटा है, उसकी कीमत हमको मिली एक्स अपॉन
एल के बराबर, हम ये वाली कीमत मसावात एक में रख सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमको, एक्स अपॉन एल। ओके, और किस तरीके से मिली, तो ये आप ज्योमेट्री का ये जो कॉसी लंबाई का जाप्ता है आप इसको याद रखिए। ओके, तो हमने देखा कि हमको थीटा की वैल्यू मिली थी एक्स बाय एल, ये कीमत हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन वन के अंदर। तो वन इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इन टू जी, और थीटा की जगह पर आ जाएगा एक्स बाय एल। ओके, अब हम और एक चीज पर गौर करते हैं। आप देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जो फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है उसके अंदर लेफ्ट साइड में एफ है, यानी अंदरूनी बाहरी कुवत, और हमको पता है कि ये एक वेक्टर है, और राइट साइड में हमको एक्स दिख रहा है जो कि हटाव है, और वो भी एक वेक्टर है, वो भी एक सिमिट्री मिकदार है। इसका मतलब एफ और एक्स दोनों वेक्टर्स हैं, और हमने शुरू में ही देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनका जो सेंस है वो अपोजिट है। तो अपोजिट सेंस दिखाने का तरीका ये होगा कि हम वहां पर माइनस साइन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख लूँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा एम जी अपॉन एल एक ब्रैकेट में, और एक्स को मैं बाहर लिख सकता हूँ। ओके, तो आप देखिए एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल एक साथ और एक्स बाहर। सपोज करो कि कुवत का जो मुस्तकिल है के है, और जाहिर है वो मुस्तकिल यहाँ पर ये होगा, मतलब हम एम जी अपॉन एल की जगह पर के को ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी जगह पर के ले लिया तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, और जाहिर है इक्वल टू और माइनस के को हटा दिया जाए, ये आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब हमने ये साबित कर दिए कि सादरकास का जो बॉब है वो सादा मौसी की हरकत की शर्त के मुनासिबत से हरकत करता है। ओके, ये जो है ये फॉर्मूला क्या है, ये सादा मौसी की हरकत की शर्त है, बुनियादी शर्त, और ये चीज हमको सिंपल पेंडुलम में नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो हमेशा सादा मौसी की हरकत यानी एस एच एन करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये ध्यान में आ गया होगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए अब हमारे लिए यहाँ पर ये जो के की वैल्यू जो मिली है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। आप लोग देखो कि के की वैल्यू हमारे पास है एम जी अपॉन एल। अब हमने इस चैप्टर के अंदर जब हम शुरुआत में हमने जब एस एच एम को स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि ओमेगा स्क्वायर की कीमत के अपॉन एम होती है। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ ये चीज़ को लाने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले पे गौर करो, यहाँ पर के इज इक्वल टू एम जी अपॉन एल है, मैं इसमें से ये एम को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैंने ये एम को इधर शिफ्ट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा के बाय एम इज इक्वल टू उस साइड में मिलेगा जी बाय एल। ओके, शायद आपको ध्यान में आया होगा एम जी अपॉन एल हमारा कॉन्स्टेंट था, हमने एम को इधर शिफ्ट कर दिए, तो के बाय एम इज इक्वल टू कितना आ गया, जी अपॉन एल। ओके, अब आप गौर करो कि के बाय एम तो ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहां पर ये जो के बाय एम है इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी अपॉन एल। अब आप ओमेगा का स्क्वायर हटा दो, जब आप ओमेगा का स्क्वायर हटा दोगे ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। ओके, अब हम इस ओमेगा को वक्त के दौरान में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि ओमेगा की जो कीमत है वो होती है 2π/T, तो फिर ये कीमत यहाँ रख देते हैं। अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाएगा 2π/T इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। अब आप देखो इसमें जो टाइम पीरियड है वो अपॉन में है, तो हम इसको ऊपर ले सकते हैं, मतलब हम इसका दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लिया ये आ जाएगा टी अपॉन 2π इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, और अब आखिरी स्टेप आप 2π को उधर शिफ्ट कर दो। जब आप 2π को उधर शिफ्ट करोगे ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला यानी वक्त के दौरान का जो फॉर्मूला है वो हमको मिल गया सादरकांश के लिए। ओके, अगर आपको याद होगा कि जब हमने कोनिकल पेंडुलम का वक्त के दौरान का जो डेरिवेशन किए थे तो
तो हमको फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिला था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो आप देखिए बहुत छोटा सा फर्क है दोनों में। अगर कोनिकल पेंडुलम है तो अंडर रूट के अंदर एल के साथ में कॉस थीटा है, और अगर सिंपल पेंडुलम है तो एल अकेला है। एल कॉस थीटा का मतलब एल का एक जूज, ओके, यानी कोनिकल पेंडुलम में हम लंबाई ना लेते हुए लंबाई का जूज लेंगे, कॉस थीटा वाला जूज लेंगे, तो एल कॉस थीटा। और अगर सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, सादा रकास की अगर बात हो रही है, तो हम धागे की जो लंबाई है हम खुद उस लंबाई को ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पर एक और टॉपिक, हम इसी के साथ, इस जाप्ते के साथ जो जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, अब हम उस पर बात करेंगे, और वो है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके। तो आप देखिए जो टॉपिक हमको अभी शुरू करना है वो है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब सादा रकास के कवानीन, ओके। अब ये सादा रकास के कवानीन क्या होंगे और कैसे होंगे, तो हम उनको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। अभी हमने ज़ाब्ता देखा कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आप लोग देखिए इस फॉर्मूले को बुनियाद बनाकर मैं यहाँ पर चार अलग अलग बातें बोल सकता हूँ। पहली जो बात हम यहाँ बोल सकते हैं वो ये है कि ये 2 पाई और g को मान लो कि कांस्टेंट है। अगर आपने 2 पाई और g को कांस्टेंट ले लिया तो आपको पहली चीज मिलेगी t इज इक्वल टू मुस्तकिल इंटू अंडर रूट एल, इसका मतलब ये हो जाएगा t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। ये पहला रिजल्ट आपको मिला। दूसरी चीज आप लोग ले सकते हैं 2 पाई और l को कांस्टेंट ले लो आप। अगर आपने 2 पाई और l को कांस्टेंट ले लिया तो फिर आप इसको ले सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल टू, जाहिर है ये कांस्टेंट हट जाएगा और ये g नीचे है अंडर रूट में, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट जी, ओके। ये दूसरी बात हम बोल सकते हैं। तीसरी जो बात है यहाँ पर वो ये है कि आप देखो कि हमने फर्ज करे थे कि पेंडुलम जो है उसके बॉब की कमियत m है, ओके। सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसकी कमियत, उसका जो मास है वो हम लोगों ने m फर्ज किया था शुरू में, वो उसका वजन mg लिया था हम लोगों ने, मतलब उसकी कमियत m है। लेकिन आप गौर करो कि इस फॉर्मूले के अंदर m नहीं आया। जब m नहीं आया इसका मतलब ये हुआ कि m के साथ में टाइम पीरियड का कोई रिलेशन नहीं है, ओके। तो कमियत के ऊपर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं होता है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं होगा, ओके। नंबर चार, हम और एक चीज पर गौर कर सकते हैं, और वो ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर एम्पलीट्यूड भी नहीं आया, मतलब सादा रकास का वो जो एहतजाज हो रहा था उसका जो हैता है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड का ताल्लुक जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ भी नहीं होता है, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देखिए मैंने टोटल मिलाकर चार रिजल्ट लिखा हूं इस फॉर्मूले को बुनियाद बनाकर। ये जो चार पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं इन चारों को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम के कवानीन, सादा रकास के कवानीन। तो टोटल मिलाकर आप गौर करो कि सादा रकास के चार कवानीन होते हैं, ओके। अब पहला कानून देखो क्या होगा। पहले कानून के अंदर लंबाई का जिक्र है तो हम उसका नाम रखेंगे लॉ ऑफ लेंथ। पहला कानून क्या होगा, लॉ ऑफ लेंथ यानी लंबाई का कानून, ओके। क्या होगा उसका स्टेटमेंट, एकदम आसान है, आपके सामने दिख रहा है। उसका स्टेटमेंट ऐसा होगा कि सादा रकास का वक्त दौरान हमेशा सिंपल पेंडुलम की लंबाई के जजर के साथ यानी स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रास तनासुब में होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, सादा रकास का वक्त दौरान हमेशा लंबाई के जजर के साथ रास तनासुब में होता है। ये जो आपने अभी बताया ये वक्त दौरान को लेकर सिंपल पेंडुलम के लंबाई का कानून है, ओके। ये पहला कानून हो गया लंबाई का कानून, ओके। दूसरा कानून जो है यहां पर वो है सकली इसरा का कानून, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जी। और जैसा आप देख रहे हो कि वो जी अंडर रूट में है और नीचे है तो ये माकूस तनासुब हो गया। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि सिंपल पेंडुलम का सादा रकास का जो वक्त दौरान है वो सकली इसरा के जजर के साथ
माकूस तनासुब में होता है। ओके, यानी टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में। तो ये हमारा दूसरा कानून हो गया। तीसरा जो कानून है वो ये है कि सिंपल पेंडुलम का वक्त दौरान उसका जो टाइम पीरियड है वो मास के साथ यानी कमियत के साथ उस कमियत के ऊपर वो मुनहसिर नहीं होता है, वो कमियत से मुतलकुल अनान होता है, मतलब वो उससे इंडिपेंडेंट होता है, उसके उसका कमियत के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने एक छोटा सा सिंपल पेंडुलम लिए उसका वक्त दौरान भी उतना ही रहेगा जितना एक बड़े सिंपल पेंडुलम का एक मतलब भारी या ज्यादा कमियत वाले बॉब का जो है टाइम पीरियड होगा। तो वक्त दौरान का उस बॉब की कमियत के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद आखिरी वाला जो है कानून वो ये है कि सादा रकास का जो वक्त दौरान है वो हैता के ऊपर मुनहसिर नहीं होता, मतलब वो हैता के साथ मुतलकुल अनान होता है या हैता से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हैता अगर कम है तो भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, हैता अगर आप बढ़ाओगे तो भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। यहाँ पर वैसे तो ये चारों कानून बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब एग्जामिनेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसको बुनियाद बनाकर कई मरतबा अलग अलग स्टाइल में सवाल बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे अंदाज में उन कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपको बॉब की कमियत कम दी जाए और फिर ये बोला जाए, मान लो कि अगर आपको सिंपल पेंडुलम का एक सवाल ऐसा दिया जाए कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब की कमियत जो है 50 ग्राम है, उसका वक्त दौरान जो है कुछ तो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, फिर आपको बोला जाए कि अगर सिंपल पेंडुलम के बॉब की कमियत को 50 ग्राम की जगह पे 100 ग्राम कर दिया जाए तो उसका नया वक्त दौरान क्या होगा, तो हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि कमियत बढ़ गई है इसका मतलब कहीं ना कहीं वक्त दौरान पर उस अफेक्ट हो तो नहीं होगा, वक्त दौरान का कमियत के ऊपर या कमियत का वक्त दौरान के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो कमियत कितनी भी कम हो, कमियत कितनी भी ज़्यादा हो, वक्त दौरान कॉन्स्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम थोड़ा सा इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा एक वीडियो पे नज़र डालते हैं। इस वीडियो के अंदर इस डेमोंस्ट्रेशन के अंदर मतलब मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम एक बहुत कम कमियत वाला बॉब लेंगे और हम उसका ऑसिलेशन देखेंगे कि उसका वक्त दौरान क्या होता है। ओके, फिर हम उस बॉब को रिप्लेस करेंगे और उसको हटाकर हम एक भारी कमियत लेंगे और ये चेक करेंगे कि उसका वक्त दौरान क्या होता है। तो आप देखोगे कि दोनों के वक्त दौरान जो है वो बिल्कुल सेम आते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि अमेरिका में एक फिज़िक्स के एक जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वॉल्टर लेविस, उन्होंने इस चीज़ को कि सिंपल पेंडुलम के वक्त दौरान के ऊपर कमियत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जब उन्होंने लोगों के सामने उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया तो पहले उन्होंने कम कमियत का एक गोला जो है उसको ऑसिलेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने भारी कमियत का एक गोला ऑसिलेट किया और उसके बाद उन्होंने खुद अपने आप को बॉब के तौर पर सिंपल पेंडुलम के साथ लटका दिया। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई वीडियो फिज़िक्स की दुनिया में कभी कोई बना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोफेसर वॉल्टर लेविस जो हैं उन्होंने किस तरीके से लॉ ऑफ मास मतलब कमियत के कानून को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए खुद अपने आप को जिन्होंने सिंपल पेंडुलम के ऊपर लटका दिया था। आइए हम पहले इस वीडियो पे नज़र डालें और इस अजीम फिज़िक्स के इस अजीम टीचर को प्रोफेसर वॉल्टर लेविस को जो है हम खिराज तहसीन पेश करें। आइए हाँ, तो अब हम देखते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम का छोटा सा एक डेमोंस्ट्रेशन। इस डेमोंस्ट्रेशन के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा एक पेंडुलम जो है यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें धागे की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है और
जो बॉब हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये वाला पीतल का, इस बॉब की जो कमियत है वो 25 ग्राम है। ओके साइड में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टाइमर लगा हुआ है जो कि अभी ज़ीरो पर सेट किया हुआ है, और अब हम जब इसको मतलब ऑसिलेशंस देना शुरू करेंगे तो हम उसी वक्त उसको स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि 10 ऑसिलेशन के लिए इसमें कितना टाइम जो है वो इसको लगता है। तो आइए देखते हैं अब हम इसके 10 ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम। ओके चलो शुरू करते हैं। तो मैं इसको एक सिरे पे लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोग देखिए 10 ऑसिलेशन के लिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर हमको मिले हैं 9 सेकंड और उसके बाद 0.70। ओके मतलब टोटल मिलाकर हमारे पास जो वक्त हमको मिला वो है 9.70 सेकंड। अब अगर मैं ये 10 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 0.970 सेकंड, मतलब टाइम पीरियड की जो कीमत हमको मिली वो तकरीबन 1 सेकंड हमको मिली है। ओके ओके अब आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम जो है उसको चेंज किया, जो धागा हमने इस्तेमाल किया वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन इस मर्तबा जो बॉब है उसकी कमियत 100 ग्राम है। ओके अब इस 100 ग्राम कमियत वाले बॉब के लिए हम वक्त दौरान जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर लंबाई लिए थे लेकिन 25 ग्राम का हमने कमियत लिए थे, तो उसका वक्त दौरान तकरीबन 1 सेकंड के करीब हमको मिला था। ओके अब देखते हैं कि इसके लिए कितना वक्त दौरान आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके अब आप देखो कि मैंने यहाँ पर 10 ऑसिलेशन लिए और 10 ऑसिलेशन के लिए मुझे जो टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है 9.49 सेकंड। अगर मैं ये 10 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 0.949 सेकंड, और ज़ाहिर है ये नंबर तकरीबन 1 सेकंड है, इसका मतलब टी इज़ इक्वल टू 1 सेकंड। तो अब आप गौर कीजिए कि पहले जब हमारे सिंपल पेंडुलम की कमियत 25 ग्राम थी उस वक्त भी वक्त के दौरान 1 सेकंड था, और अब हमारे सिंपल पेंडुलम का जो की जो कमियत है वो 100 ग्राम है फिर भी उसका वक्त के दौरान 1 सेकंड आया है। इसका मतलब ये हुआ कि सादा रक्कास का जो वक्त के दौरान है वो उसकी कमियत के ऊपर डिपेंड ही नहीं होता। कमियत चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, कमियत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वक्त के दौरान जो है वो हमेशा एक जैसा होता है। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट का मकसद था। ओके अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इनका नाम है प्रोफेसर वाल्टर लेविस। इन्होंने सिंपल पेंडुलम इसके टाइम पीरियड का मास के साथ में मतलब कमियत के साथ में कोई ताल्लुक नहीं होता है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए पहले इन्होंने अलग अलग कमियत के गोलों को जो है लटकाया और उन सिंपल पेंडुलम्स के टाइम पीरियड जो है कैलकुलेट किए। बाद में इन्होंने खुद अपने आप को जो है बॉब के तौर पर लटका दिया, और जाहिर सी बात है ये एक अपने आप में बहुत काबिल तारीफ एक बात हो सकती है कि तकरीबन 80 साल की उम्र में फिजिक्स का ये जो ग्रेट टीचर है ये अपने आप को जो है लटका देता है सिर्फ फिजिक्स के एक कानून को साबित करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से ये वीडियो बनाया था। You ready? Okay. Faster? 6, 7,
देखा आपने कि किस तरह से प्रोफेसर वाल्टर लेविस जो है उन्होंने अपने आप को लटकाया था इस एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए। आइए हम इस तरह के एक ग्रेट साइंटिस्ट जो है, ग्रेट फिजिक्स के जो टीचर हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब आइए हम अपना इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक शुरू करते हैं, वो है सेकंड पेंडुलम। उर्दू में सेकंड पेंडुलम के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है सानिया रकास। आप याद रखिए, सानिया जो वर्ड है ये एक अरबी लफ्ज है जो सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अरबी में सेकंड को सानिया कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको सानिया रकास कहेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी तारीफ पे गौर करते हैं। आप देखिए, ये एक ऐसा सादा रकास होता है जो अपना एक एहतजाज 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। मतलब अगर हम यहाँ पर एक फिगर के जरिए अगर बनाएं, तो मान लो कि ये एक सिंपल पेंडुलम है यहाँ पर, तो वो ये वाले इंतहाई मकाम से लेकर ये इंतहाई मकाम तक, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगेगा, और जाहिर है यहां से वापस आने के लिए उसको वापस 1 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से टोटल मिलाकर उसका जो वक्त दौरान है वो 2 सेकंड हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा 2 सेकंड्स। तो इसी पर से हम इसकी तारीफ बना सकते हैं। इसकी तारीफ ये होगी कि ऐसा सादा रकास जिसका वक्त दौरान 2 सेकंड हो, उसे सेकंड पेंडुलम या सानिया रकास कहते हैं। ओके, अब हम इसकी लंबाई के लिए फॉर्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं। आप लोग देखिए, क्योंकि ये एक सादा रकास है, इसलिए हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर मान लो ये सादा रकास जो है जमीन की सतह पर अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हो, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। ओके, हमको मालूम है कि सादा रकास का जो वक्त दौरान है उसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अब इसमें हम टी की जगह पर 2 ले सकते हैं, 2 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू 2π√L/g। ओके, अब आप इसमें गौर कीजिए, यहाँ पर ये √L जो है वो, मतलब L जो है वो √ में है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको बाहर निकालने के लिए इसको स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो ये जब स्क्वेयर करोगे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4π², और ये √ का जब स्क्वेयर करेंगे हो जाएगा L/g। अब आप इन नंबरों को, मतलब 4π² और g को इधर शिफ्ट कर दो, जब इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको लंबाई के लिए वैल्यू मिलेगी 4g/4π². ओके, ये 4π² में जाएगा और ये g ऊपर आएगा, तो 4g/4π². अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिला L इज इक्वल टू g/π². अब यहां पर हम जमीन की सतह का अगर जिक्र करें, तो जमीन की सतह पर जी जो है, सकलिसरा जो है, उसकी वैल्यू 9.8 m/s² होती है। इसका मतलब आप जी की जगह पर ले सकते हैं 9.81। ओके, एवरेज वैल्यू उसकी 9.81 m/s² होती है, और अपॉन में पाए की वैल्यू अगर लेते हैं तो आ जाएगा 3.142 का स्क्वेयर। जाहिर है 3.142 का जब आप स्क्वेयर करोगे तो वो 9.8 के करीब आएगा, तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगा 9.81 अपॉन, इसकी वैल्यू आएगी 9.87 अप्रॉक्सीमेटली। जाहिर है इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 9.81 अपॉन 9.87 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, इसलिए वो कट जाएंगे एक दूसरे से, और इस तरह से हमको मिलेगा L इज नियरली इक्वल टू 1 m। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही खास रिजल्ट हमको मिला कि अगर कोई सादा रकास सेकंड पेंडुलम है, मतलब सानिया रकास है, मतलब उसका वक्त दौरान अगर 2 सेकंड है, तो ऐसी सूरत में जमीन की सतह पर उसकी जो लंबाई है वो 1 m हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान रखें कि क्योंकि हमने जमीन की सतह पर एवरेज वैल्यू 9.81 m/s² ली है, इसलिए ये वैल्यू 1.1 m के करीब आई है। अगर आप सकलिसरा चेंज करोगे, मतलब अगर आप सेकंड पेंडुलम को किसी और जगह पर, मतलब चांद पर या किसी मार्स पर या कोई और प्लेनेट के ऊपर अगर आप उसको लोगे, तो वहां ना ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उस मुनासिबत से फिर सेकंड पेंडुलम की लंबाई जो है वो भी बदल जाएगी। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने जो सादा रकास का पूरा कंसेप्ट देखे, फिर उसका वक्त दौरान देखे, फिर उसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह चेक किए, अब आखिरी में हम लोगों ने एक छोटा सा आर्टिकल देखे सानिया रकास का। ये तमाम पूरा कंप्लीट वीडियो जो है
आप इसको बार बार हर स्टेप को पॉज करके जो है हर स्टेप को बराबर नोट करो और पूरे नोट्स जो है वो खुद तैयार करो। इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर है तो वो इस चैप्टर का मे भी पॉसिबल है कि वो आखिरी लेक्चर होगा, और उस आखिरी लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों को इस कंप्लीट चैप्टर के नोट्स जो है वो एक लिंक के जरिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस तरह से आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।